हमास इसराइल संघर्ष में कम से कम 300 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी के 230 से ज्यादा लोग मारे गए। न्यूज एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन लगातार हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इन सबके बीच एक्टर शाहरुख खान का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। ये पोस्ट इसराइल फिलिस्तीन से जुड़ा है। शाहरुख खान का वायरल पोस्ट 13 जुलाई 2014 का है। 2014 में हमास ने 3 इसराइली लड़ाकों को पहले किडनैप किया, फिर उनकी हत्या कर दी। इसके खिलाफ इसराइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू किया था। गाजा में इसराइल का अब तक का सबसे लंबा और सख्त सैन्य अभियान। इसराइली फोर्सेस के 50 दिनों के इस ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और 7000 से ज्यादा नष्ट हो गए थे। तब शाहरुख ने ट्वीट किया था, छोटे बच्चों को मारना या उनके कातिल बनाने से कुछ ठीक नहीं होगा। पीड़ित या पीड़ितों से पीड़ित लोगों के लिए हालत नहीं सुधरेंगे। फिलिस्तीन में अमन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास के इस हमले को बीते दशकों में उग्रवादियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इधर इसराइल के गाजा पट्टी पर जवाबी हमले में करीब 230 लोगों के मारे जाने और करीब 1700 लोगों के घायल होने की खबर है। इस तरह कुल मिलाकर 500 से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। हमास ने पहले हमले की जिम्मेदारी ली। उनका कहना है कि वो अल अक्सा मस्जिद की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कहा कि ये उनके लोगों पर होने वाले जुल्म का बदला है, वेस्ट बैंक पर कब्जे का बदला है। दरअसल आज के इसराइल की जमीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच है। दोनों पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, पट्टी पर हमास का इख्तियार है। 2006 में चुनावों में हमास सत्ता में आ गया था और तब से बरकरार है। अब इस पूरे मसले पर दी ललन ड्रॉप की नजर बनी हुई है। हम जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, शाहरुख खान के पुराने ट्वीट पर आपको क्या कहना है, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मेरा नाम सोनल है, देखते रहिए ललन ड्रॉप। शुक्रिया।